सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro डिवाइस में MIUI 13.0.3.0 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे हम इस अपडेट के कॉन्फर्म डेट के बारे में, इसी के साथ में हम बात करेंगे यार अपडेट के इंस्टॉल प्रोसेस के बारे में। सो गाइज, अगर आप भी हैं इन तीनों डिवाइस के यूजर्स, तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के बारे में। यार ये दोनों डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है, जिस अपडेट का वर्जन है MIUI 13.0.2.0 का, गाइज ये अपडेट जो देखने के लिए मिला था ना, इसमें सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया गया था। एंड गाइज MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 के अपडेट में जो भी बग एंड इशू देखने के लिए मिला था, इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया गया था। जो कि गाइज आप लोग को इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस था ना, वो और भी ज्यादा बेटर हो गया था। एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस से पहले Redmi Note 9 Pro डिवाइस में MIUI 13.0.2.0 वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिला था। उसके कुछ दिन बाद Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 13.0.2.0 वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिला था। लेकिन यार अब बहुत ही जल्द Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, जिस अपडेट का वर्जन में भी हो सकता है MIUI 13.0.3.0 का। गाइस ये अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा, उन्हें यहां पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें यार कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो देखो यार हो सकता है ना कि आप लोग को दिसंबर महीना के एंड वीक में या फिर जनवरी महीना के फर्स्ट वीक में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो अगर हम बात करें यार नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, वो आता है यार Poco M2 Pro का। Poco M2 Pro डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है, जिस अपडेट का वर्जन है MIUI 13.0.2.0 का, गाइस ये अपडेट ना Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के साथ में ही देखने के लिए मिला था, जो कि Poco M2 Pro डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 के अपडेट में जो भी बग एंड इशू देखने के लिए मिला था, उस बग एंड इशू को MIUI 13.0.2.0 अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया गया था। जो कि यार अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस का जो परफॉर्मेंस था ना, वो और भी ज्यादा बेटर हो गया था। सो गाइस अब यूजर्स वेट कर रहे हैं कि Poco M2 Pro डिवाइस में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो देखो यार न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो होने वाला है, जिसका वर्जन में भी होने वाला है MIUI 13.0.3.0 का, वैसे ये अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा, उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो गाइस ये तो एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट तो होता है, लेकिन यार ये अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। एंड गाइस ये अपडेट का जो फाइल साइज होने वाला है ना, वो यार 400 MB to 500 MB के अंदर में ही आप लोगों को फाइल साइज देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें यार कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो देखो हो सकता है कि दिसंबर महीना के एंड वीक या फिर जनवरी महीना के फर्स्ट वीक में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो इसी वजह से थोड़ा सा आप अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना। एंड गाइस अपडेट जो देखने के लिए मिलेगा ना आप लोगों को, तो अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे यार इन सारे डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा, तो यार आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।